क्या लिया तो ना तो कभी नहीं पूछा। अब कहां जा रहे हो? फैसले पर जा रहा हूं। फैसला? कौन सा फैसला? बिरादरी का फैसला। बिरादरी? अरे किसकी बिरादरी? मेरी नहीं, तुम्हारी बिरादरी। होश में हो? होश में हूं, तभी तो जा रहा हूं। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ? अब भी पूछती हो क्या हुआ? क्यों? बस छोरा ऐसे ही चला गया? बस चला गया। हाशिम की जगह कोई और होता तो कुल्हाड़ी मार देता मैं उसके सर में। हाशिम को भी मार देते कुल्हाड़ी से? यह मेरी पहली शिकस्त है। किसने दी है तुमको शिकस्त? मैंने कहा ना, हाशिम की जगह कोई और होता तो। हाशिम तुम्हारा बेटा है, ये क्यों नहीं कहते कि अपने आप से आ रहे हो? बरोबर। रानी की मां जी, आज तुमने चूल्हा नहीं जलाया। रानी के अब्बा, आज इस घर का चूल्हा माचिस की तीलियां नहीं जलाएंगी। माचिस नहीं है घर में क्या? माचिस तो है, पर आज इस घर का चूल्हा फैसले से लौटते हुए फैसू के मुंह से निकले लफ्ज जलाएंगे, या फिर इस घर के चूल्हे को हमेशा के लिए बचा देंगे। लफ्जों से चूल्हे जला करते हैं क्या? रानी के अब्बा, लफ्जों से सिर्फ चूल्हे नहीं जलते, घर जल जाते, गांव जल जाते, शहर जल जाते।
अस्सलाम वालेकुम। अरे रोशन बेटे, वहां कहां जाकर बैठ गया है बिरादरी वालों से दूर होकर? अरे रूठे हुए हो क्या? नहीं चाचा फैजू, मैं यहाँ कोने में ठीक हूँ। अरे भाई फैजू, ये बिरादरी वालों से दूर बैठे या नजदीक बैठे, इससे फर्क ही क्या पड़ता है? क्यों? अरे ये मिलकर बैठेगा तो करेगा क्या, बात तो करता ही नहीं, और अगर बात करता भी है तो इसकी बात समझ में तो आती नहीं, जैसे घास मुंह में डाल कर मियां ढोलना बोलेगा नहीं तो सुनेगा तो सही। अरे इसके सुनने ना सुनने से क्या फर्क पड़ता है, बिरादरी मरे या जिए उससे इसको क्या काम? हाँ हाँ भाई, कहते जाओ कहते जाओ। तो गलत बात हम भी नहीं कहते? देखा फैजू, देता है जवाब कोई नूरल की बात का। अच्छा है यार, सर खपाने से तो बचा हुआ है। अरे भाई, हमने बोल बोल के कौन से मैल बना दिए, कोई ज्यादा बोले या कोई कम बोले, बस है जिंदगी गुजारनी। अब रोशन, तुम्हारा बाप नहीं आया अब तक? उन्होंने मुझे भेजा है। हा साईं, अब तुम छोकरों ने दो अल्फाज पढ़ लिए तो बुजुर्गों को कहां आने देते हो फैसलों में? वो खुद नहीं आए मक्खन चाचा, मैंने तो उनको कहा था आने के लिए। मैंने तो कहा था आने के लिए फैजू, वैसे ये है बड़ी ज्यादती कि छोकरे फैसले करें। फैजू जी, जिन लोगों का फैसला होना है उनमें से तो कोई दिखाई नहीं देता, बाकी तुम बड़ा पगड़ बांध के वडेरे बन के बैठे हो, ये कहीं सारी बिरादरी को ख्वार तो नहीं करोगे? मियां ढोलना, तुमने इतनी उम्र कहां गुजारी है? ये बकरियां चराते हुए साईं, बकरियां चराते हुए। ये तुम तो चुप करो, बीच में नहीं बोलो। अब आ ढोलना, तुम खुद सोचो, ऐसी जिल्लत अगर तुम्हारे सर से गुजरती तो तुम आकर बैठते बिरादरी में? खुदा खुदा कर फैजू, खुदा खुदा कर, मुंह से ऐसे अल्फाज तो ना निकाल, खुदा ही ऐसा दिन नहीं दिखाएगा मेरे यार को। तू खुद ही बता मखण, ऐसी हालत में कोई आएगा बिरादरी में? यार ढोलना, अब तक बात समझ में ना आई हो तो दोबारा समझाया तुमको? ये ब्रह्म, तुमको बड़ा गुस्सा होता है हमेशा मेरे यार पर, इसने तुम्हारी भैंसे तो नहीं चुराई है, इस तरह करते हो तुम? अरे यार छोड़ो फटे को, अरे जब कभी तुम फैसले में आते हो तो दोनों एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हो। भाई मेरे को कहूँ, अगर तुमको लड़ना है तो उधर मैदान में जाके लड़ो, ये वडेरे की ओताक का तो कुछ ख्याल करो। भाई मेरे को कहूँ? ये सुन ले भाई सेठ, अरे सुनता नहीं है क्या? तेरी तरह, अरे इतनी जोर से तो पसलियों में कोने मत मारो, पसलियां तोड़ोगे क्या? ये आस्ता मार गरीब को, कहीं खून न गले में पड़ जाए, ये पहले ही उधार में मिली हुई सांस ले रहा है। तुमको तो बस बात का मौका मिलना चाहिए। यार जाना खान जी, कल हमने तुम्हारी घोड़ी देखी थी। वाह वाह, मजा आ गया। क्या बात है मेरी घोड़ी की, क्या समझते हो? दिल खुश हो गया। भाई मेरे को कहूँ, किसी और ने देखी है मेरी घोड़ी? हाँ हाँ देखी है मैंने तुम्हारी घोड़ी। तुम कहो, तुमको कैसी लगी मेरी घोड़ी? मैंने कल ही देखा था उसको, उसके ऊपर तेरा बेटा सवार था, उसने घोड़ी को दौड़ाया तो नहीं, अलबत्ता घोड़ी के कदम वाली चाल कुछ अच्छी दिखाई दे रही थी। भाई मेरे को कहूँ, डर डर के बात करता हूँ। ये जाड़ा, डरो नहीं बाबा, डरो नहीं, खुल के बात करो। मखन खाना, बात पूरी करने दे। बोलो बोलो। भाई मेरे को कहूँ, उसकी तीन चालें, कदम, रल्लो, मुन, ऐसी है ऐसी है, ये अगर तुम देखो तो तुम्हारा तो मुंह खुला का खुला रह जाए। भाई मेरे को कहूँ, कसम खा कर कहता हूँ, ये दूध का भर कर कटोरा हाथ पर रख कर घोड़ी को धुड़की चाल में छोड़ दो, अगर एक भी कतरा गिर जाए तो कहना घोड़ी नहीं गधी है गधी। ये तो फिर बुला ले कल गांव वालों को,
देख ले तेरी घोड़ी की भी चाल, हो जाए मक्खन खान के घोड़े का और तेरी घोड़ी का मुकाबला, खाली बातें नहीं कर। ये मक्खन खान का घोड़ा भी अपना जवाब आप है, लेकिन अगर उसका मेरी घोड़ी से मुकाबला कराओगे ना, तो भाई मेरे को कहूं मेरी घोड़ी की मक्खन का घोड़ा धूल चाटता रह जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो मेरा नाम किसी कुत्ते पर रख देना। क्यों भाई, कुत्ते बेचारे ने क्या कसूर किया है कि उसके ऊपर तुम्हारा नाम रखे? हाथ संभाल के कर मक्खन, ये अगर ऐसा ही शौक है मुकाबले का तो तार अपने घोड़े को मैदान में, हो जाए तो दो हाथ भाई मेरे को कहूँ, भाई मेरे को कहूँ, भाई मेरे को कहूँ। अरे तेरी तो ढींगे ही खत्म नहीं होती, टक्के की घोड़ी को आसमान पर चढ़ा रखा है, ये बात है झूठे। ये मेरी घोड़ी टक्के की है, बाकी मक्खन खान का घोड़ा तो असल सोने में तुल के आया, वो तो असल आसमान नापता फिरता है। भाई मेरे को कहूँ आदमी बन जा आदमी। अरे ये जलालत छोड़ दे। क्या क्या, मैं जलील हूँ, बाकी तुम बड़े इज्जत वाले आ गए हो। जलील कहीं के, देख मकान समझा जाड़े को, नहीं तो डंडा मार के सीधा। अरे ओ जाड़े के बच्चे अपना मुंह मत रख, वरना ऐसी कुल्हाड़ियां मारूंगा कि चेहरा बिगाड़ दूंगा। अरे तुम कुल्हाड़ी मारेगा तो हम क्या तुम को छोड़ेंगे? अरे भाई, अरे यार क्या समझते हैं भाई, तुम यहाँ फैसला करने आए हो या आपस में झगड़ने आए हो? क्या अच्छा फैसू, अब पता चला कि मैं दूर क्यों बैठा हूँ? लोगों के बीच में बैठकर किसे अपना सर तोड़वाना है? रानी बेटे, तुम्हारा दिल नहीं डूबता? जी बेटे, मेरा दिल तो कभी डूब जाता है कभी तैर जाता है। जब तक फैसला खत्म ना हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दरख्त में लटकी हुई हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता। क्यों? पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं। तुम्हें फैसले का इंतजार तो होगा? मुझे अब किसी चीज का इंतजार नहीं। बेटे तुम सो क्यों नहीं जाती? थोड़ी नींद कर लो। नींद नहीं आती। क्यों? बस अब मुझे नींद का भी इंतजार नहीं। बेटे तुम बच भी सकती हो? पता नहीं। क्या तुम क्या समझते हो फैसला क्या होगा? पता नहीं। फिर भी तुम तो जाते रहते हो बिरादरियों के फैसले में, तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा। रानी की माँ, बिरादरी सेला भी दरिया की तरह होती है, कभी डुबो देती है, कभी नजदीक से गुजर जाती है और सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। रानी बच जाएगी ना? चलाओ
वालेकुम। सब लोग आ गए हैं? साईं कोई एक आध रहता भी है। अच्छा साईं वडे रे की खैर? बाबा भूरा आओ आओ बैठो बाबा बैठो। भूरा जी साईं वहां रोशन के पास बैठ जाओ। ठीक है साईं, गरीब लोग तो दूर ही ठीक है साईं। बाबा जी धर्म मर्जी, बैठो बैठो ठीक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आशिम बेटे कुल्हाड़ी कहीं रखकर बैठ जाओ। पहले तो मैंने कभी भी कुल्हाड़ी अपने हाथ से नहीं छोड़ी। अच्छा इसे रखो हाथ में, लेकिन बैठ तो जाओ कहीं कोने में। मैं तुम लोगों के बुलाने पर आया हूँ, कोने में नहीं बैठूंगा जाजा फैजू। ये हाँ हाँ बुलाने पर आया है, बड़ा एहसान करके आया है। जा किसी कोने में बैठ जा, सर पर तो सवार नहीं होकर खड़ा हो जा। पाते है जुठे बल्ले। रा थोड़ा सरक जा। अजमल ये क्या 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 वडेरे के साथ बैठेगा क्या? इतनी जगह पड़ी है, अब आ ही गए हो तो इधर किधर बैठ जाओ। मेरी मर्जी जहां बैठूं, मुझे बुलाया गया है, खुद से नहीं आया। पूरी बिरादरी आ गई है? हाँ सही, सब लोग आ गए हैं। यूसुफ तो खैर वैसे ही नहीं आएगा। वो तो है सही। हकीकत यह है कि मामला अच्छा हो या बुरा, ये मामला कैसा भी हो, जितना भी छुपाओ ये छुपता नहीं है। इससे अच्छा है कि इस मामले के बारे में कोने खुदरू में बात करने की बजाय ये मामला साफ साफ बिरादरी के सामने रख देना चाहिए। ऐसा ही साफ जैसा चांदी का रुपया होता है। मैं झूठ बोलता हूँ क्या? सही बोलते हो, सही बोलते हो, सही सच्चे हो, सही हो। ये मसला ऐसा है कि बात करते हैं तो शर्म भी आती है, पर इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। सही कहते हो वडेरा, सही कहते हो। सज्जन खान और अली मुराद ने जो ज्यादती की है उसकी तो हद ही नहीं है। तो मैं उनको कच्चा खा जाता, उनकी किस्मत अच्छी थी। तो सरदार सावन खान और सरदार शेर मोहम्मद खान जैसे पहाड़ लोग बीच में आ गए और उन लोगों की इज्जत की वजह से मैं टल गया। डींगे मार रहा है। डींगे मारने पे खर्चा थोड़ी लगता है, बात है समझ की। ये समझता है हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मकर खान जी बाबा, पता पहले हमारी बात सुनो ना, फिर तुम लोग भली बातें करना आपस में। बिल्कुल। मैं कह रहा था कि ये सज्जन खान ने तो हद ही कर दी। बिल्कुल नहीं, हद तो यूसुफ ने भी कर दी है। लड़की को लेके आया है वापस और उसको अब तक घर में बिठा रखा है। उसको तो उसी दिन लड़की का सर उड़ा देना चाहिए था। खड़ खान, किसी का सर उड़ाना इतना आसान काम नहीं जितना तुम समझते हो। अगर इतने बहादुर बनते हो ना तो जाओ, तुम जाके उसका सर उड़ाओ ना। ये सिद्दीक मेरी बेटी होती तो कब का उसका खात्मा कर देता मैं। मक्खन चाचा, तुम्हारी बेटी है ही नहीं तभी तो ऐसी बातें करते हो, होती तो महसूस करते। बल्ले
बारो सुनो मेहनत किया का मैं सुखा हुआ है। ए बाबा बात करने दो, बिरादरी का मामला है, खामोश। मैं कह रहा था कि यूसुफ तो अब इधर आ नहीं सकता है, तो अब यूसुफ की जगह बात करेगा फैजू। हाँ फैजू, अब तुम सुना। सही में यूसुफ के पास गया था, उससे खुलकर बातें की, छोटी छोटी बातें पर भी उसकी राय मालूम की। खैर वैसे ये मसला मेरा नहीं है, पर यूसुफ एक तो मेरा रिश्तेदार है, दूसरा मेरा दोस्त है। बचपन से लेकर अब तक दुख सुख में साथ रहा है, सो सही इसी ख्याल से उसकी जिल्लत और ख्वारी का ये बार मैंने अपने सर पर उठाया है। मुझे पता है इस तरह का बार सर पर उठाना पूरी जमीन को सर पर उठाने के बराबर होता है। सो सही मैं भी पूरी जमीन को अपने सर पर उठाकर बिरादरी में आ गया हूं। ये फैजू भाई, ये लंबी कथा छोड़, बात को छोटा कर। क्यों, खेत में पानी देने की बारी है क्या तुम्हारी? बड़ी जल्दी में हो। नहीं नहीं ये बात तो नहीं है, पर तुम भी इतनी सी बात को खामखा रबड़ की तरह खींच रहे हो। खड़खान बाबा, फैजू को बात करने दो ना। ऐसा ही मक्खन है और चुप करके बैठेगा, सरकार तुम भी की करके दरख से बेर मांगते हो। बाबा बस करो बस करो बस करो। हाँ फैजू बोलो बाबा। सही यूसुफ ने मेरे साथ साफ पक्की और चिट्टी बात की है कि बेटी दी है मैंने बिरादरी की झोली में, अब बिरादरी की मर्जी उसकी जान बख्श दे या उसे खत्म कर दे। बिरादरी के फैसले में बोले हुए एक एक लफ्ज के साथ मैं बंधा रहूंगा। अब साईं बिरादरी जो चाहे फैसला करे। बाबा बिरादरी ने सुना। बुरा तुमने अब सुना? जी साईं सुन लिया साईं। अब तुम बोलो। साईं मैं क्या बोलूं साईं, साईं मैं तो जूतियां टाकने वाला चवार हूं, भला इस फैसले में कैसे बोल सकता हूं? तुम भी बिरादरी के कहने पर आए हो बुरा, तुम्हें भी बोलने का पूरा हक है। साईं रोशन साईं, साईं तुम भी मजाक करता है। बाबा और किसी को बोलना है? मैं बोलूंगा। बोलो। पहले बिरादरी मुझे यह बताया कि रानी बेटी यूसुफ की है या बिरादरी की? यूसुफ की। तो फिर वो जिसकी बेटी है वही फैसला करे, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये आशमा, ये जो बिरादरी वालों को इकट्ठा किया है इधर, तुम बालिश भर कुल्हाड़ी हाथ में लेके इतना बड़ा पटका मथे पे रख के चंगा मुर्स बन के आ गया है, तो हम लोग सब कोई फैजू की शादी में तो नहीं आए? खुद लड़की के मालकों ने हमको बुलाया है। बिल्कुल, चलो भाई उठो ढोलन। चलो चलो, हो क्या फैसला, ऐसे होते हैं फैसले। भाई कोई मक्खन खान के पैर पकड़ कर इसको तो बिठाओ। मक्खन भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। मक्खन बैठो बाबा बैठो बैठो। पर बाबा देखो तो सही, ये कोई फजीलत है, तुम बोलते हो तो बैठ जाते हैं। बात है झूठ है। बैठो बैठो भाई बैठो। आशिम जवाब दो ना मक्खन खान की बात का। इसका जवाब मैं देता हूं। अच्छा अब तुम बोलो। अब जबकि बिरादरी आ ही गई है तो यह भी फैसला कर सकती है कि रानी यूसुफ की बेटी है, और फिर यूसुफ की जो मर्जी चाहे वो करे, बस मामला ही खत्म। ये तुम्हारी बात मेरे जहन में है, पर यह फैसला तुमको और हाशिम को तो नहीं करना है ना? बिरादरी को जो कठा क्या है, इनकी राय भी सुननी है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं हाशिम से। अब तुम पूछो। हाशिम फैसला पूरी बिरादरी का माना जाएगा या एक तुम्हारा? जो सच कहे उसका। पर ये फैसला कैसे होगा कि सच है क्या? सच का फैसला खुद सच करता है वर्रा, सच झूठ की तरह घूंघट डालकर नहीं चलता। जब तुम्हारी मेरी बात का कोई मकसद ही नहीं है तो छोड़ो इस बात को, फिर फैसला वरी काहे का? हाशिम
बेटे आशिम देखो बेचारे यूसुफ का मसला है, तुम इस तरह बीच में बात खराब नहीं करो। वडेरा सही आप बात करो, छोड़ो छोटी सी बात को। हाँ मखड़ा खान बोलो। बाबा बात बिल्कुल साफ पड़ी है, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है। लड़की खुद भाग जाए या भगाई जाए, बड़ों की रस्म तो यह है कि उसको कत्ल किया जाए। अब अगर इस लड़की को ऐसे ही छोड़ देते हो तो फिर सब लड़कियों को छोड़ दो, जो उनके मन में आता है करती फिरे। तो फिर किया क्या जाए? बाबा यूसुफ से कह दिया जाए कि रानी को मार के थाने में पेश हो जाए, बात खत्म। वडेरा साई, मक्खन के घर से तो कुछ जाता ही नहीं ये बात करते हुए। जब तुम्हारे बाप के घर से तो जाता है ना। झगड़ा करने आ फैसले में शरीक होना है, बैठो। बात सुनो दूसरों की, बैठ जाओ। आप बाबा को दूसरा आदमी बोलेगा? मुझे ये बताया जाए कि लड़की का कसूर क्या है। वडेरे दोधे का कसूर है क्या? वो खुद नहीं गई, उसे उठा लिया गया था। सुनो सुनो बिरादरी वालों, ये नई बात सुनो, अंग्रेजी पढ़कर आया है बिरादरी में फैसला करने। ये बात तो अच्छी कर रहा है ना। कौन बात अच्छी कर रहा है? सबको जानता हूं, कत्ल किया जाए तो इस गांव के लोगों को किया जाए, जिनके हाथों से दिन दहाड़े लड़की उठाई गई है। तुम्हारा ख्याल है कि मखन खान को कत्ल किया जाए? हाँ, इसको भी कत्ल किया जाए तो ठीक है। क्यों 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 क्यों? मेरे को क्यों कत्ल किया जाए? यूसुफ और साईदाद को क्यों नहीं कत्ल किया जाए, जिनके हाथ से लड़की गई है और जिन्होंने पूरी बिरादरी की इज्जत खराब की है? ये बात है झूठ है, न साईदाद घोड़ी चोरी करता ना इतनी खुआरी होती। तुम लोगों में इतनी गैरत है तो अली मुराद को मारते ना। हम क्यों अली मुराद को मारे? यूसुफ और साईदाद क्यों नहीं मारते? हमारा क्या जाता है रे? बस करो बस करो बस करो, कोई किसी को नहीं मारेगा, बस करो। और किसी को कुछ बोलना है क्या? कोई नहीं? भला मेरी बात सुनोगे? अभी मुर्गा फंस रहा है, फंसेगा तो इसका बड़ा भी। मैंने अपनी पराई बरादरियां देखी हैं, बरादरियों के फैसले भी सुने हैं, मैंने खुद किए हैं फैसले, बचपन में बुजुर्गों को भी फैसले करते देखा है। इस मसले पे भी इधर आने से पहले मैंने इस मसले को बड़ा जांचा है। ये फैसला करना बहुत बड़ा वजनी पत्थर उठाना है। इधर आकर आप लोगों की राय ध्यान से सुनी है, कोई राय कड़वी है कोई राय मीठी है, पर अपना उससे क्या वास्ता। मेरे को रस्म के मुताबिक इंसाफ करना है। अभी ये मसला इसका जर्रा जर्रा मेरे सामने आईने की तरह साफ पड़ा है। पर असल सवाल पे आने से पहले मैं फिर यह पूछता हूं कि अगर किसी को कोई राय देनी होवे तो बोले देवे। कोई राय? आप बात करो, हमको आपकी हर बात मंजूर है। बाबा भी बिरादरी ये जानती है ना कि रानी खुद गई है, उठाई तो नहीं गई ना। सही है, सही है। यह बात भी जानती है कि रस्म के मुताबिक उठाई हुई लड़की को भी वही सजा मिलती है कत्ल की जो खुद गई हुई औरत को। बिल्कुल सही बात है। बिरादरी में कुछ लोगों का ख्याल यह है कि रानी को छोड़ दिया जाए। यह सही बात है, सही है। और बिरादरी में कुछ लोगों का ख्याल यह भी है कि रानी को मार दिया जाए। तो बस मामला साफ है ना। अभी मैंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जो दो मुख्तलिफ रायों के बीच का है। बीच का? हाँ बाबा, अब मुनसिफ का फर्ज यह है कि किसी एक धड़े की पासदारी न करे। पर मुनसिफ को तो सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। सही। हाँ सही, ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने इस लड़की को जो यूसुफ की बेटी है जिसका नाम रानी है, मैं इसको रखता हूं बिरादरी के सामने। बिरादरी में से कोई इस लड़की को कबूल करे तो रानी उसको दे दी जाएगी, और अगर पूरी बिरादरी में से कोई इसको कबूल नहीं करता तो फिर ये यूसुफ का काम है कि रानी को कत्ल करके पुलिस के सामने पेश हो जावे। ये कैसा फैसला होगा? फैसला मैंने कर दिया है, इसमें बहस की बड़ी क्या गुंजाइश है। अभी मैं हर एक से ये सवाल पूछता हूं, किसी को कबूल है या नहीं है? फैजू तुम बताओ। साईं मेरी तो बेटी है,
मैं तुम्हारे लिए नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे बेटे के लिए पूछ रहा हूं। नहीं मक्खन खान, तुम्हारा क्या ख्याल है? दादा खान कैसी बात करते हो, ये लड़की तो भगाई हुई है और भगाई हुई नब भी होती ना तो मेरे को मंजूर नहीं है। ढोलन तुम बताओ। वडेरा रखे खुदा अपना में, मेरे घर में तो पहले ही एक बला बैठी है। हाँ नूरला तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं वडेरा दोदा खान, हमको अपनी इज्जत प्यारी है। जाड़ा तुम बोलो। भाई मेरे को कहूं नहीं। आ सिद्दीक तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं वडेरा, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूं। और रोशन तुम क्या कहते हो? अरे हमने कब कहा कि तुम्हारा भाई किसी से कम है। चलो उठो, अब देर नहीं करो, पहले ही देर हो गई। तुम ही देर कर रही हो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। चलो चलो मेरे आगे होकर चलो। क्यों? क्या पता तुम देखते देखते गिर पड़ो और मटका ही तोड़ बैठो। गूंगे हो गए हो क्या? रोशन रोशन लोग मुझे कत्ल कर देंगे। मगर कौन कत्ल कर देगा? पूरी बिरादरी मेरे सर के पीछे है। रोशन मैं नहीं बचूंगी। मगर क्यों मारेंगे रानी? मारने वाले के नहीं देखते कि क्यों मारते हैं, वो तो बस मारते हैं। नहीं रानी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम्हारे दिल में ऐसे ख्याल बैठ गया होगा। रोशन मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। पापा भी मुझे मारने लगा था। चाचा यूसुफ? हाँ वो मुझे मार रहे थे पर अम्मा ने बचाया। अब बिरादरी फैसला करके मुझे कत्ल कर देगी। मुझे बचा लो रोशन, मुझे बचा लो। हाँ हाँ ले जाओ इसको भी कराची के शहर में, पढ़ाओ इसको भी जाके गिट मिट। जवाब दो। वो जी बात दरअसल यह है कि वो मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई और फिर मुझे अभी आगे जाकर अपना कैरियर भी तो बनाना है ना, तो इसलिए मैं बात ऐसी कर जो सबकी समझ में आए। जी तो मैं जी ये शादी इसलिए नहीं कर सकता। वैसे मैं कहता हूं कि उसको कत्ल न किया जाए, ये बेइंसाफी है। तो मतलब ये है कि तुमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? जी जी नहीं। वाह वडेरा वाह, तेरा फैसला अच्छा फैसला किया है। तुम गांव के वडेरे हो, रानी को कत्ल कराना चाहते हो तो किसी एक को कह दो उसको कत्ल कर देगा, और अगर उसको जिंदा रखना चाहते हो तो उसका हाथ किसी के हाथ में दे दो, कोई तुमसे इनकार करेगा? बाकी एक एक के आगे फेंक कर गरीब की बेटी को इतना जलील तो ना करो। तुम्हारा क्या ख्याल है आशिक? क्यों आशिमा बोलते क्यों नहीं हो? पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब तुम क्यों नहीं कर लेते रानी को कबूल? हाँ हाँ रानी कबूल है, कबूल है, कबूल है।